polynomials can be classified into four major categories. पॉलिनोमियल्स को चार मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करा जाता है. चार कैटेगरीज होती हैं. पहला जो है वो कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा होता है कि a x प्लस बी. ए यहाँ पर भी नंबर भी हो सकता है. हो सकता है ए की वैल्यू 2 हो और बी की वैल्यू 3 हो, तो 2x plus 3. ठीक है. अच्छा, दूसरा जो पॉलिनोमियल है वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इट इज ऑफ द टाइप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. एक टर्म और आ गया यहाँ पर, सी. ठीक है. और x की मैक्सिमम पावर कितनी होगी क्वाड्रेटिक होते ही? 2. ठीक. उसके बाद अगला लिखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल ये होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. ठीक है. उसके बाद अगला लिखेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ax की पावर 4 bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e. ये हो गया. देखिएगा जी, जो पॉलिनोमियल्स है ना, पॉलिनोमियल्स जो है वो चार तरीके के होते हैं. एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक, एक क्यूबिक और एक बाई क्वाड्रेटिक. शुरुआत करते हैं लीनियर से. तो लीनियर में क्या होगा कि एक जो पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल है जिसमें 2, 3, 4, 5, 6, 10, 50 कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, लेकिन उसमें एक्स की जो कि अननोन टर्म है, एक्स एक्स की जो मैक्सिमम पावर है, सबसे बड़ी पावर है, वो 1 होगी. तो जैसे यहाँ पर एक्स की पावर कुछ भी अगर नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब एक्स की पावर 1 है. तो जिसमें एक्स की पावर 1 मिल जाए उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल. जिसमें एक्स की सबसे बड़ी पावर 2 मिल जाए उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जिसमें आपको एक्स की सबसे बड़ी पावर 3 मिल जाए उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल. और जहां पर सबसे बड़ी पावर 4 मिल जाए उसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है. तो जो सबसे बड़ी पावर होती है ना, जो सबसे बड़ी पावर होती है उसी को हम बोल देते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. नोट कीजिएगा, नोट करके लिखेंगे द हाइएस्ट पावर, द हाइएस्ट पावर ऑफ द अननोन वेरिएबल x is called degree of the polynomial. फर्स्ट पॉइंट करके बना दीजिए. सेकेंड पॉइंट एक और लिखिएगा. Action.
अगर मान लीजिए एंड एंड इफ इट इज सो एंड इफ इट इज सो then it will not be a polynomial, then it will not be a polynomial. अगर ऐसा होता है कहीं पर भी, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आप बताइए जो भी गिवन पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है, डिग्री आपसे पूछी जाएगी. डिग्री के अलावा आपसे ये पूछा जाएगा कि आप ये बताइए क्या ये पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है. तो वो कैसे पता चलेगा कि अगर किसी की भी डिग्री मान लीजिए पावर में 1/2 दे रखा है, या मान लीजिए पावर में -1/7 दे रखा है, कुछ भी फ्रैक्शन में दे रखा है या सिर्फ नेगेटिव वैल्यू दे रखी है पावर में, तो आप ये कहेंगे ये पॉलिनोमियल एग्जिस्ट ही करता है. ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, आप ये बोलेंगे वहाँ पर. ठीक, उसमें फिर आपको कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है कि ये लीनियर है क्वाड्रेटिक है, वो सोचने की जरूरत नहीं है. लीनियर के लिए मैक्सिमम पावर 1, क्वाड्रेटिक के लिए मैक्सिमम पावर 2, क्यूबिक के लिए 3, बाई क्वाड्रेटिक के लिए 4, उसके आगे का पूछा नहीं जाएगा सवाल. ठीक है, ये दो तीन चीज़ें आपको नोट करनी थी. इसके बाद हाँ जी बोलिए. दोबारा बोलो, अगर x की पावर क्या है, क्यूब है, और टर्म जो है वो पॉलिनोमियल, तब भी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. अगर हमारे पास एक ही टर्म दे रखी है, जैसे ax³ bx² ch और d, मान लीजिए बस एक ही टर्म दे रखी है ax³, बस बाकी की टर्म्स दे नहीं रखी, तब भी वो क्यूबिक ही है, तब भी वो क्यूबिक है. ठीक है, ये वैल्यूज उनको हम क्या बोल सकते हैं, मैं बता दूंगा अभी इनको क्या बोलेंगे. इनको हम ये बोलेंगे, अगर मान लीजिए सिर्फ ax³ दे रखा है, तो मैं कहूँगा ax³ + 0x² पावर होगी, वही उसकी डिग्री हो जाएगी.
ठीक है, अगर हमसे ये पूछा जाएगा कि इसकी टाइप आप बताइए, इसकी टाइप आप बताइए, तो जब टाइप की बात होगी तो तब आपको चार से ज़्यादा ऊपर का कोई देंगे ही नहीं वो पॉलीनोमियल, ठीक है ना, क्योंकि उसके ऊपर का पॉलीनोमियल डिफाइंड ही नहीं है, नाइन्थ क्लास तक डिफाइंड नहीं है, आगे डिफाइंड है। सेकेंड टू माइनस वाई स्क्वायर, टू माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, माइनस वाई क्यूब प्लस टू वाई की पावर एट डिग्री एट, ठीक है, बस ये इतना करिए, बाकी होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस भेजता हूँ वो करिएगा, ठीक है, कल सुबह आप लोगों को 9 बजे आना है।